नमस्कार, दैनिक जागृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम किसान भाइयों को जानकारी देंगे कि आधुनिक तकनीकी से भिंडी की खेती कैसे करें जिससे उनको अधिकतम पैदावार प्राप्त हो, कौन कौन सी वो किस्में हैं जिससे आपको अच्छी पैदावार प्राप्त हो सकती है उनके बारे में बताएंगे, रोकथाम यानी कीट रोकथाम और रोग रोकथाम कैसे करें अपनी भिंडी की फसल की और उससे आपको कितनी पैदावार मिल सकती है, इन सब के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से विशेष अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को दबाना मत भूलिए। इससे आपको समय समय पर कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे जिसमें आप अपनी समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। कृषि से जुड़ी और कृषि से जुड़ी नई नई तकनीकियों की जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि वीडियो में उपलब्ध जानकारी से आप संतुष्ट हो तो हमारा वीडियो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करना आप मत भूलिए। तो आइए बात करते हैं भिंडी की उन्नत खेती किसान भाई किस प्रकार करें। किसान भाइयों, भिंडी एक लोकप्रिय सब्जी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब्जियों में भिंडी का प्रमुख स्थान है जिससे लोग लेडीज फिंगर या फिर ओकारा के नाम से भी जानते हैं। भिंडी की अगेती फसल लगाकर किसान भाई अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। मुख्य रूप से भिंडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस के अतिरिक्त विटामिन ए, बी, सी और थायमिन और रिबोफ्लेविन भी पाया जाता है। इससे विटामिन ए और सी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। भिंडी की फसल में आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। भिंडी का फल कब्ज रोगी के लिए विशेष गुणकारी होता है। अधिक उत्पादन और मौसम की भिंडी की उपज प्राप्त करने के लिए संकर किस्मों का विकास कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। ये किस्में येलोवेन मोजेक वायरस रोग को सहन करने की अधिक क्षमता रखती हैं। यदि भिंडी उत्पादक बंधु वैज्ञानिक विधि से खेती करें तो उच्च गुणवत्ता का उत्पादन आप भिंडी से प्राप्त कर सकते हैं। उस विधि का हम इस वीडियो में विस्तार से वर्णन करेंगे। और यदि आप भिंडी की जैविक खेती करना चाहते हैं बिना लागत की तो आप यहां से क्लिक करके उसके बारे में सब कुछ अच्छे तरह से जान सकते हैं या फिर हमारा वीडियो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। तो ये तो थी किसान भाइयों भिंडी की विशेषताएं। अब बात करते हैं खेती की प्रक्रिया की। सबसे पहले बात आती है भिंडी के लिए भूमि व खेत की तैयारी कैसे करें, यानी किस प्रकार की भूमि चाहिए और खेत की तैयारी आप किस प्रकार करें। भिंडी के लिए दीर्घ अवधि का गर्म तथा नम वातावरण सर्वोत्तम माना जाता है। बीज उगने के लिए 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है, लेकिन 17 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर बीज अंकुरित इसके नहीं होते हैं या फिर होते हैं तो बहुत कम होते हैं। यह फसल ग्रीष्म और खरीफ दोनों ऋतु में उगाई जा सकती है। भिंडी को उत्तम जल निकास वाली सभी प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है। इसकी खेती के लिए भूमि का पीएच मान 7.0 से 7.8 होना सबसे उपयुक्त है। भूमि की 2 से 3 बार जुताई कर भुरभुरी तथा पाटा चलाकर समतल कर लेना चाहिए किसान भाइयों को। अब बात आती है किसान भाइयों भिंडी की उन्नत किस्में कि वो कौन कौन सी किस्में हैं जिससे आपको उत्तम पैदावार मिल सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपने क्षेत्र की प्रचलित किस्म उगाइए जिसकी पैदावार सबसे अधिक हो, उससे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा क्योंकि वो आपकी जलवायु के अनुकूल है। भिंडी उत्पादक बंधुओं को अधिक देर के लिए अपने क्षेत्र की प्रचलित भिंडी की किस्म का चयन करना चाहिए। इसके साथ साथ उस किस्म की विशेषताएं और उपज की जानकारी भी होना आवश्यक है। कुछ प्रमुख किस्में इस प्रकार हैं, जैसे इसार, उन्नत, BRO6, पूसा HR, प्रबनी, क्रांति, पंजाब 7, अर्का नामिका, वर्षा उपहार, अर्का बे, इसार नवीन, HBH और पंजाब 8। ये मुख्य किस्में हैं किसान भाइयों। और यदि इससे अधिक किस्मों की जानकारी आप चाहते हैं उनकी विशेषताओं के साथ और उनकी पैदावार के साथ तो यहाँ से क्लिक करके आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं या फिर हमारा वीडियो भी आप सुन सकते हैं। किस्मों के बाद अब बात है किसान भाइयों बीज की मात्रा और बुआई की विधि। सिंचित अवस्था में 2.5 से 3 किलोग्राम और असिंचित अवस्था में 5 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। संकर किस्मों के लिए 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर पर्याप्त होता है।
भिंडी के बीज सीधे खेत में ही उगाए जाते हैं यानी बोए जाते हैं। वर्षाकालीन भिंडी के लिए कतार से कतार की दूरी आपको 40 से 45 सेंटीमीटर और कतार से पौधे के बीच की दूरी यानी पौधे से पौधे के बीच की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर का अंतर रखना उचित रहता है। ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुआई कतारों में करनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और कतार में पौधों से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज की 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बुआई आपको करनी चाहिए। यदि आप अधिक गहरा बीज डालेंगे तो अंकुरण की समस्या रहती है। बुआई के पूर्व भिंडी के बीजों को 3 ग्राम मैनकोजेब या फिर कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। पूरे खेत को उचित आकार की पट्टियों में बांट लें तो बेहतर होगा, जिससे सिंचाई करने की सुविधा हो। वर्षा ऋतु में जल भराव से बचाव के लिए उठी हुई क्यारियों में भिंडी की बुआई करना उचित रहता है। यानी किसान भाइयों को जहां पर ये लगे कि उसके खेत में जल भराव की समस्या है तो वो उठी हुई क्यारी बनाकर ही इसको उगाएं। उसके बाद है किसान भाइयों बुआई का समय। ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुआई फरवरी से मार्च और वर्षाकालीन भिंडी की बुआई जून से जुलाई में की जाती है। यदि भिंडी की फसल लगातार लेनी है तो 3 सप्ताह के अंतराल पर फरवरी से जुलाई के मध्य अलग अलग खेतों में भिंडी की बुआई की जा सकती है यानी समांतर अंतर पर। इससे आपको समय समय पर भिंडी उपलब्ध होती रहेंगी जो आप बाजार में ले जाकर बेच सकते हैं। उसके बाद है किसान भाइयों खाद और उर्वरक की मात्रा। भिंडी की फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 15 से 20 टन गोबर की खाद आप अवश्य मिलाएं। नाइट्रोजन, सल्फर और पोटाश की मात्रा क्रमशः 80 किलोग्राम, 60 किलोग्राम और पोटाश के बीच 60 किलोग्राम मात्रा आप प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिलाएं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और सल्फर और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के पूर्व भूमि में देना उचित रहता है। नाइट्रोजन की शेष मात्रा को 2 भागों में 30 से 40 दिन के अंतराल पर आप खड़ी फसल में दें, जिससे कि आपकी पैदावार अच्छी हो। उसके बाद है किसान भाइयों निराई और गुड़ाई। नियमित रूप से निराई गुड़ाई कर खेत को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। बोने के 15 से 20 दिन बाद प्रथम निराई गुड़ाई करना जरूरी रहता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए आप रासायनिक निंदानाशकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। खरपतवार नाशी फ्लूक्लोरीन की 1.0 किलोग्राम सक्रिय तत्व को प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त नमी खेत में जब हो तो आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। उससे आप खरपतवारों पर बहुत हद तक रोक लग जाती है। उसके बाद है किसान भाइयों सिंचाई प्रबंधन। सिंचाई मार्च में 10 से 12 दिन और अप्रैल में 7 से 8 दिन तथा मई से जून में 4 से 5 दिन के अंतर पर आप करें। बरसात में यदि यानी बारिश के समय यदि बराबर वर्षा होती है तो सिंचाई की आवश्यकता फसल में नहीं रहती है। अब बात आती है किसान भाइयों पौध संरक्षण यानी रोग और कीट रोकथाम की, जो सबसे मुख्य है भिंडी की फसल के लिए। यदि आप कीट व रोग रोकथाम पर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि आपकी फसल 20-70% तक क्षतिग्रस्त हो जाए यानी उत्पादन गिर जाता है। कीट व रोकथाम उसको खराब कर देते हैं। भिंडी के रोग में येलोवेन, मोजेक वायरस और चूर्ण असिता तथा कीटों में मोयला, रातेला, सफेद मक्खी, प्रोहा, फल छेदक कीट और रेड स्पाइडर माइट मुख्य हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रोगों की, उसके बाद करेंगे कीटों की। रोगों में पहले है पीत सिरा रोग यानी येलोवेन मोजेक वायरस। इस रोग से पत्तियों की सिराएं पीली पड़ने लगती हैं, पूरी पत्तियां और फल भी पीले रंग के हो जाते हैं, पौधे की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए इस रोग की रोकथाम के लिए ऑक्सी मिथाइल डेमेटोन 25 EC या फिर डाइमोथोइड 30 EC का 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में या फिर इमिडा क्लोरोफिल 17.8% SL या फिर एसिटामिप्रिड 20% SCP की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव करें तो इस पर नियंत्रण संभव है पीत सिरा रोग पर। उसके बाद है किसान भाइयों चूर्णिल असिता। इस रोग में भिंडी की फसल की पुरानी निचली पत्तियों पर सफेद चूर्ण युक्त हल्के पीले धब्बे पड़ जाते हैं। ये सफेद चूर्ण वाले धब्बे काफी तेजी से फैलते हैं तो पौधा सूख जाता है या फिर उससे आपको कोई उत्पादन नहीं मिलता है।
रोकथाम के लिए क्या करें, इस रोग का नियंत्रण न करने पर पैदावार 30% तक कम हो सकती है। इस रोग की रोकथाम के लिए घुलनशील गंधक 2.5 ग्राम मात्रा या फिर एक्सानोजोल 5% ईसी की 1.5 मिलीलीटर मात्रा पर 3 लीटर पानी में घोल बनाकर 2 से 3 बार या फिर आप 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव कर सकते हैं जब तक इसकी रोकथाम न हो। अब बात आती है किसान भाइयों कीट रोकथाम की। प्रोह और फल छेदक के लिए इस कीट का प्रकोप वर्षा ऋतु में अधिक होता है। प्रारंभिक अवस्था में इलियां कोमल तने में छेद करती हैं जिससे तना सूख जाता है। फूलों पर इसके आक्रमण से फल लगने से पूर्व फूल गिर जाते हैं। फल गिरने पर इलियां छेद कर उनको खाती हैं जिससे कि फल मुड़ जाते हैं और तथा खाने योग्य नहीं रहते हैं, यानी बाजार में आपको उसका भाव नहीं मिलेगा। रोकथाम के लिए क्या करें, नियंत्रण के लिए कुलानफोस पर 25% ईसी या फिर क्लोरोफायरीफोस 20% ईसी या फिर प्रोफेनाफास 50% ईसी की 2.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव करें और आवश्यकता पड़े तो आप उसको दोहराएं भी। उसके बाद है किसान भाइयों अरातेला, मोयला एवं सफेद मक्खी। ये सूक्ष्म आकार के कीट पत्तियों, कोमल तनों और फल से रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। रोकथाम नियंत्रण के लिए ऑक्सी मिथाइल डेमोटोन 25 ईसी या फिर डाइमोथोएट 30 ईसी या फिर की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में या फिर इमिडाक्लोरोपीड 17.8% SL या फिर एसिटामिप्रीड 20% ACP की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से इस पर नियंत्रण संभव है। और यदि नहीं होता है तो आप इसको एक बार फिर दोहरा दें। उसके बाद है किसान भाइयों रेड स्पाइडर माइट। यह माइट पौधों की पत्तियों की निचली सतह में भारी संख्या में कॉलोनी बनाकर रहते हैं। यह अपने मुखांग से पत्तियों की कोशिकाओं में छिद्र करते हैं। इसके फलस्वरूप जो द्रव निकलता है उससे माइट चूसता है। क्षतिग्रस्त पत्तियां पीली पड़कर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अधिक प्रकोप होने पर संपूर्ण पौधा सूख कर नष्ट हो जाता है। इसकी रोकथाम किस प्रकार करें, इस कीट के नियंत्रण के लिए डाइकोफाल 18.5 ईसी की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी या फिर घुलनशील गंधक 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और आवश्यकता अनुसार उसको दोहराएं यदि उस पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं है तो। अब किसान भाई भिंडी फसल के अगर अधिक रोगों की जानकारी चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं या फिर आप हमारा वीडियो भी सुन सकते हैं। अब बात आते हैं किसान भाइयों पैदावार और तुड़वाई की। फल तुड़वाई भिंडी की फली तुड़वाई किस्म की गुणवत्ता के अनुसार 45 से 60 दिन में फलों की तुड़वाई प्रारंभ की जाती है और 4 से 5 दिन के अंतराल पर नियमित तुड़वाई की जानी चाहिए। तोड़ने में थोड़ा भी यदि अधिक समय हो जाने पर फल कड़ा हो जाता है जिससे आपको अच्छा मूल्य उसका नहीं मिलेगा। पैदावार उपरोक्त विधि से उचित देखभाल, उचित किस्म, खाद और उर्वरकों के प्रयोग से प्रति हेक्टेयर 130 से 150 क्विंटल हरी फलियां किसान भाइयों को प्राप्त हो सकती हैं। और किसान भाइयों मैं ये उपरोक्त विधि क्यों बोलता हूँ, ये मेरे द्वारा बनाई गई नहीं है, ये कृषि वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई विधि है। तो आप अगर इसके अनुसार अपनी खेती करेंगे भिंडी की तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। और यदि आप भिंडी की खेती का आर्थिक विश्लेषण करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे आके इसके बारे में आप अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं। हमने पूरा विवरण दिया है, खेत की तैयारी के समय कितना पैसा लगता है, खाद और उर्वरक पर कितना लगता है, उसके बाद बिजाई और बुआई पर कितना लगता है और बीज उपचार पर कितना लगता है, निराई गुड़ाई खरपतवार नाशी पर कितना लगता है, फसल संरक्षण पर कितना लगता है और सिंचाई प्रबंधन और फल तुड़वाई और कटाई मंडाई पर कितना लगता है और कितनी पैदावार है, ये हमने यहाँ पे आपको समझाने के लिए कोशिश की है कि ये आंकड़े ठीक हों, लेकिन ये सभी आंकड़े अनुमान है। तो आप अपनी परिस्थिति और अपने क्षेत्र के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम एक और नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो
तो आप सभी से विशेष प्रार्थना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को दबाना मत भूलिए। और यदि वीडियो में आपको कोई समस्या आती है तो आप हमारी वेबसाइट पे आके भी इसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। इसका लिंक हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।